हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हम फर्स्ट चैप्टर प्लस टू क्लास हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बेटा आज हमने करने हैं। इसका जो समरी है हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दी हुई है। मेरे ख्याल में सबने वो मेरी वीडियो देख ली होगी, सबको समझ आ गया होगा। इसके आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये समझ आएंगे क्वेश्चन आंसर्स। और ये लेसन जो है वो बोर्ड के हिसाब से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपने ध्यान से सुनना है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट में अब करने लगी हूँ और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर्स ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। लेखिका का प्रोफेशन क्या था? आंसर है, द नरेटर वाज ए कंप्यूटर साइंस टीचर एट ए कॉलेज ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर के कॉलेज में वो कंप्यूटर साइंस के अध्यापक थी। व्हाई वाज हसन नॉट नोटिस्ड बाय द टीचर इन द क्लास। सेकंड क्वेश्चन है कि हसन क्लास में उसके टीचर के द्वारा नोटिस क्यों नहीं किया जाता था? आंसर है, द टीचर डिड नॉट नोटिस हसन बिकॉज ही वॉज रियली प्रेजेंट। टीचर उसको इसलिए नोटिस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ही कम क्लास में उपस्थित होता था, हाजिर होता था। थर्ड क्वेश्चन, वाई वुड द नरेटर रेंडर अटेंडेंस टू हसन एवरी टाइम। हर बार जो लेखिका थी हसन को अटेंडेंस यानी कि उसके लेक्चर क्यों दे देती थी? आंसर है, ही वुड बेग फॉर अटेंडेंस इन ए पिटफुल मैनर एंड द नरेटर वुड नॉट से नो। वो इस तरह से उसके लेक्चर्स के लिए प्रार्थना करता था अपने अध्यापिका के पास कि उसके जो अध्यापिका थी यानी कि लेखिका जो थी वो उसको ना नहीं कर पाती थी। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर हसन्स पेरेंट्स कॉल टू स्कूल। हसन के पेरेंट्स को स्कूल में क्यों बुलाया गया? आंसर है, दे वर कॉल टू बी टोल्ड अबाउट द इरेगुलर अटेंडेंस एंड इनडिसिप्लिन वे ऑफ हसन। उसको ये बताने के लिए उनको बुलाया गया था कि जो हसन है वो उसकी अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं है, वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा और उसका जो इनडिसिप्लिन वे है वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, उसीलिए उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डेज वुड हसन ऑफन शो अप इन क्लास। कौन से दिनों में हसन जो है क्लास में दिखाई देता था? हसन वुड शो अप ड्यूरिंग क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्ज़ाम। वो क्लास टेस्ट के दौरान या एग्ज़ाम के दौरान, जब एग्ज़ाम होने होती है तब वो क्लास में आता है। सिक्स क्वेश्चन, वट वाज हसन्स मदर प्ली टू हिज फादर। अब हसन की माता जी ने उसके पिता से क्या प्रार्थना की? हसन्स मदर टोल्ड टू हिज फादर दैट ही वुड टॉक टू हिम फर्मली, कि उसको अच्छी तरह से हसन के साथ बात करनी चाहिए। सेवन क्वेश्चन, वाई डिड पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली। कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो थी वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म क्यों हो जाती है? द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली बिकॉज दे कुड नॉट डिसाइड हाउ टू करेक्ट हसन। क्योंकि ये वो डिसाइड ही नहीं उसके पेरेंट्स कर पा रहे थे कि हसन को किस तरह से हम ठीक करें। एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हसन व्हेन ही मेट हिज टीचर आफ्टर सेवरल ईयर्स। जब कई सालों के बाद अपने टीचर से हसन मिला तो किस तरह से वो दिखाई देता था? तो आंसर है, ही वॉज ए मैन ऑफ 35 ईयर्स। वो 35 ईयर्स का 35 साल का आदमी था, मोटा सा, फैट, विद ए बाल्ड हेड एंड नॉट स्मार्टली। और उसके एकदम से बाल गंजा हो चुका था और स्मार्ट भी दिखाई नहीं देता, स्मार्टली ड्रेस, अच्छी तरह से उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। नाइन्थ क्वेश्चन, वट हैड द नरेटर्स एक्सपेक्टेड हसन टू बिकम इन हिज लाइफ। हसन जो के जो लेखिका है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ज़िंदगी में क्या बन गया होगा? द नरेटर हैड एक्सपेक्टेड दैट हसन वुड बी डू वेल इन लाइफ एज ही वॉज ए ब्राइट इन हिज क्लास।
कि जैसे वो क्लास में बहुत ही होशियार था तो वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी। तो 10th क्वेश्चन, हाउ डिड हसन स्टडी व्हेन ही वाज इन हिज कॉलेज, जब वो अपने कॉलेज में था तो वो किस तरह से स्टडी करता था। आंसर है, ही डिड नॉट कम टू कॉलेज रेगुलरली बट स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो रेगुलर कॉलेज में नहीं आता था लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके, अच्छी तरह से उनकी स्टडी करके वो हमेशा ही अपनी क्लास एग्जाम में फर्स्ट आता था। तो 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हसन हु वर नर्स, नर्स कौन थे। आंसर है, हार्ड वर्कर्स वर नर्स, जो मेहनत करने वाले होते हैं वो उनको नर्स कहता था। 12th क्वेश्चन, व्हाई डिड हसन स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, हसन ने सेपरेट रहना, अलग रहना क्यों शुरू कर दिया था। आंसर है, हिज फादर टोल्ड हिम टू डू सो, उसके पिता ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। बिकॉज ऑफ हिज क्वारलसम नेचर, क्योंकि उसकी झगड़ा करने की आदत के कारण उसको उसके पिता ने अलग रहने के लिए कहा था। 13th क्वेश्चन, व्हाट मेड हसन फील ऑप्टिमिस्टिक व्हेन ही लेफ्ट द नरेटर्स ऑफिस, जब उसने लेखिका का ऑफिस छोड़ा तब वो आशावादी क्या महसूस कर रहा था। तो आंसर है, ही फेल्ट सो, उसने ऐसा इसलिए महसूस किया, व्हेन हिज टीचर टोल्ड हिम, जब उसके अध्यापक ने उसको बताया, दैट ही हैड द एबिलिटी टू लीड ए बेटर लाइफ बाई हार्ड वर्क, कि उसमें इतनी योग्यता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है सख्त मेहनत करके, कि अगर वो अच्छी मेहनत करेगा तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो वीडियो मैंने बनाई है, आपको जो समझाया है, आपको सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।